शिव महापुराण चौथा अध्याय चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। जय भोलेनाथ। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति गाथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा ही सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार से जो है पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप के पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप नहीं करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधिपूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसे ही दूसरे उपाय उसे नहीं होती है। जैसे दर्पण शीशा साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा से चित्त अत्यंत ही शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती से भगवान शिव विराजमान रहते हैं, इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री शाम्ब सदा शिव के पद को प्राप्त हो जाता है। उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए एक बीज का मंत्र है, अथा यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुन करके फिर अपने हृदय में उसका मनन निधि अध्यासन करना चाहिए, इससे पूर्णतया चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति और गुरुओं पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट हो जाती हैं। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वांछित है उसे कुछ समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त जो है माया के बंधन में आ सकता है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और निश्चित रूप से ही वह मनुष्य पूर्ण रूप से जो है ईश्वर का भागी होता है। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इसमें तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यार मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। शूद्रवाद, शूद जी कहते हैं शौनक, इतना कहकर कि वह सर्वश्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वह शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर के उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में पड़ी और हाथ जोड़ करके बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठ करके वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके गदगद वाणी में बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधव, मैं नरक के समुद्र में गिर पड़ी हूँ और गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए।
पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर सुपुराण की कथा को सुनकर के मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, उसी इस सुपुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूतो हुआ चूत जी कहते हैं, कैसा कहकर के हाथ जोड़कर उसे उनका अनुग्रह कर पाकर के चंद्रा उस शिवपुराण की कथा को सुनने के लिए इच्छित मन से गदगद हो गई। उन ब्राह्मण देवताओं की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसे स्थान पर उस स्त्री को शिवपुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिवपुराण की यह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर के वह ब्राह्मण पुत्री अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त जो है शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके शरीर में शिव के सद्गुण रूप का जो है चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसे भगवान शिव में ही सेवा में लगी रही और उसका बुद्धि जो है उत्तम बुद्धि का हो गया। इस प्रकार से उत्तम बुद्धि पाकर के शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन प्रारंभ करने लगी। तत्पश्चात समय के पूरा होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से हुई। चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहाँ पहुँचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त था और भांत भांत के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में भेज दिया। उसके सारे मल धुल गए, पाप कट गए, वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवय उसकी शोभा बढ़ाते रहे। मस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर और वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। पांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका शरीर जो है श्वेत भस्म से भस्त था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण अपनी चंचला पत्नी पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर के उसने वाणी से जो है बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़ करके वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आश्रुओं की अग्रल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर के दिव्य शोक से संपन्न हो अच्छे सुख का अनुभव करने लगी। बोले महादेव की जय।